हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवल की एक और वीडियो में। तो गाइज, आज हम मल्टीप्लेयर सीरीज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। और गाइज, हमने पिछले एपिसोड में ये ईडी आरजी टीम की थी भाई, वो भी बहुत हाई लेवल की थी आरजी। और क्योंकि हमको डायर वुल्फ का चैलेंज करना था भाई, तीन लोग हैं अपने ट्राइब में, तो तीन लोग भाई डायर वुल्फ टेम करेंगे और उसके बाद फाइट वगैरह करा के देखेंगे भाई कौन सा विनर होता है। और हमने तो एक ही आरजी टीम की थी, अभी हमको दो और आरजी चाहिए भाई डायर वुल्फ का इवेंट करने के लिए। तो ये दो आज आरजी टीम करेंगे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को भी देंगे सब्सक्राइब करा है तो नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर भाई दो आरजी अपने पीछे आ रही हैं और इधर नीचे भी बैठी हैं भाई दो ईडी आरजी हैं। ये है 165 लेवल की फीमेल और ये भाई 300 लेवल की है फीमेल। भाई इतने हाई लेवल किया है फीमेल, अगर इसको टेम करेंगे तो 450 लेवल इसका ऐसे ही पहुँच जाएगा। और क्योंकि सर्वर पे 450 लेवल ही मैक्स होता है, आप अगर उसके ऊपर का डाइनो टेम कर लेते हो 450 लेवल के ऊपर का, तो ऑटोमेटिक वो डिस्पॉन हो जाएगा। और यहाँ पर भाई अल्फा रैप्टर है भाई, अपने आरजी को बहुत अच्छा लेवल मिल जाएगा इसको मारने से। भाई इसको मारते हैं क्या, इसका हेल्थ वैसे ज़्यादा हुआ तो नहीं मारेंगे। ए चलो कम ही है, 4000 हेल्थ है इसका, निपटा देंगे आराम से। और यहाँ पर रेक्स भाई देखो, 270 लेवल का रेक्स है, उसकी 10000 हेल्थ है भाई। मारने में इस रेक्स को मारने में भाई तो बहुत ही ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि 10000 भाई हेल्थ डाउन करने में 4-5 मिनट तो लगेगा ही। और यहाँ पे अल्फा रैप्टर को भी निपटा देते हैं, फिर देखते हैं हमको लेवल कितना मिलता है। तो गाइस, फाइनली ये हमारा एक्स मरने वाला है और अल्फा रैप्टर तो निपट गया और ये भी भाई निपट गया 270 लेवल का अपना रेक्स। और भाई लेवल हमको 4-5 तो लेवल ऐसे मिल गए होंगे, देखते हैं कितने लेवल मिले भाई, ये क्या हो रहा है। और लेवल अब देखते हैं भाई, 11 लेवल हमको मिल गए भाई। सारा पॉइंट स्पीड में डालते हैं भाई, स्पीड की ज़रूरत है इसको। और स्पीड हो गया भाई 137 स्पीड हो गया, अभी एक दो और अल्फा को मार देंगे भाई, इसका फुल लेवल अप हो जाएगा भाई। बहुत ही इजी तरीके से भाई लेवल अप हो गया, 11 लेवल इजी मिल गए केवल रेक्स और अल्फा रैप्टर को मार के। अगर अपने पास 2x एक्सपी होता तो अपने को 11 की जगह 15-16 मिल जाते लेवल, लेकिन अपने पास प्रीमियम पास तो है नहीं भाई, एक्सपायर हो गया अपना प्रीमियम पास, तो ऐसे भाई काम करना पड़ेगा, ऐसे डाइनो को मार के लेवल अप करना पड़ेगा। और एक्सप्लोरर नोट यूज़ करके भाई लेवल अप कर सकते हैं इसी तरीके से इसका। तो भाई ऑफलाइन में मैं लेवल अप कर लूँगा इसका, अगर वीडियो में करने लगा तो भाई बहुत ज़्यादा ही बड़ा बनेगा वीडियो। और ढूंढते हैं भाई और निक्सॉन सर आ जाएँ, फिर चलते हैं आरजी को टेम करने। हमने भाई देख के रखा है 300 और 165 लेवल की आरजी को। अब कहीं हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और हमको भाई मेल आरजी मिल ही नहीं रही थी, ईडी आरजी मिली मेल 60 लेवल की, तो भाई उसी को टेम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हमको भाई मेल ही चाहिए। हमने फीमेल पिछले एपिसोड में टेम कर ली थी, आज मेल टेम कर लें, फिर भाई इनका मेट वगैरह करा के बहुत ज़्यादा कर देंगे आरजी को। और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, अगर 60 लेवल की टेम भी कर लेंगे उसका 100 लेवल हो ही जाएगा टेमिंग इफेक्टिवनेस से, तो भाई 200-250 लेवल की तो बेबी निकलेगा ही वैसे। और यहाँ पर अपना बिल्ड कर देते हैं ट्रैप, और ये देखो ये रही 60 लेवल की मेल, इसी को भाई ट्रैप के अंदर करेंगे और टेम करेंगे। लगाते हैं ट्रैप अपना दो डायनासोर केट और फिर लाते हैं आरजी को ट्रैप के अंदर। और गाइस, यहाँ पे हमारा ट्रैप तो बन के रेडी हो गया, अब लाते हैं अपनी आरजी को और इसमें भाई फंसाते हैं और उसको टेम करते हैं। चलो ये भाई लेकर आ ही भी रहे हैं, चलो ये ट्रैप में कर देते हैं और फिर इसको भाई नॉक करेंगे और टेम करेंगे। चलो भाई ट्रैप तो कर दिया इन्होंने बहुत इजीली, हमको तो भाई कुछ करना भी नहीं पड़ा। और ये ट्रैप हो गया, अब इसको नॉक करते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मारना इसको चालू कर देते हैं आप। चलो एक एरो, दूसरा एरो, 800 हेल्थ बचा भाई, 2-3 एरो लगेंगे। हो भाई नॉक भी हो गया, केवल 3 एरो मैंने मारे, शायद 3 एरो में भी नॉक हो गया ये हमारा अर्जेंट ट्रेविस भाई। इतना ज़्यादा मेरे बो का टॉर्पर चढ़ाता है क्या, पता नहीं।
केवल 3 एरो में नॉक हो गया। तो गाइस यहाँ पे इसके 30 लेवल पढ़ेंगे टेमिंग इफेक्टिवनेस से, और ये 90 लेवल के आसपास हो जाएगा। इसको बाम दे देते हैं तब तक, और इसको प्राइमेट देंगे। ये लो लेवल का है तो प्राइमेट से ही टेम हो जाएगा इजी। इसको कीबल वगैरह नहीं देंगे, इनसे मैं बोल देता हूँ प्राइमेट से करेंगे टेम। इन्होंने लगा भी दिया चीफ स्टेशन, प्राइमेट से करते हैं, कीबल बर्बाद नहीं करते हैं भाई। एम्बर अपने सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं कीबल वगैरह में। और कुछ मैंने देखा नहीं, हमारा लेवल अप भी हो गया है। हमने जो अल्फा रैप्टर और रेक्स को मारा तो भाई उससे 4 लेवल हमको मिल गए। तो भाई इतने सारे लेवल मिल गए, 53 लेवल था हमारा, अभी 4 लेवल अप कर लेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। वेट में कर लेते हैं, क्योंकि वेट का भाई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है इधर उधर सामान लाने ले जाने में। अभी 57 लेवल हो गया अपना, और प्राइमेट भाई लेने गए हैं, वो लेकर आते हैं, फिर इसको टेम करने ट्राई करेंगे। और गाइस फाइनली हमारे निक्सॉन सर आ रहे हैं, और ये फोन लेने गया था इनको। भाई पता नहीं कहाँ पे ये घूम रहे थे, आइस की साइड घूम रहे थे भाई, आरजी को ढूंढ रहे थे, इनको मिली ही नहीं अभी तक आरजी। और ये भाई नॉक हो गए भाई एक ही एरो में, मेरे को लगा नहीं था भाई एक एरो में निपट जाएंगे, नॉक हो जाएंगे। मतलब इनको भाई बोलते हैं वेलकम सर, कैसे हो? हाय साहब, इनका इतना ज़्यादा टॉवर पर चढ़ के, टॉवर पर हटने में भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा इनका। तो भाई इनको उठने देते हैं, फिर देखते हैं ये भाई हमारे साथ क्या करते हैं। और बस अपने निक्सॉन भाई उठने वाले हैं, अब बस 2-3 टॉवर पर बचा हो गया इनका उठने में। चलो उठ गए भाई, उड़ते ही मारने लगे मेरे को भाई, बदला लेंगे अब भाई। ये जैसे ही आए मैंने इनको नॉक कर दिया तुरंत। अब ये भाई बिल्कुल गुस्सा हो गए होंगे मेरे को, भाई नॉक किए बिना मारेंगे नहीं भाई। बहुत तगड़े से आरो मार रहे हैं ये, तो देखते हैं भाई नॉक कर पाते हैं या नहीं नॉक कर पाते हैं। ये ऑन को नॉक ना कर दें, मेरे इनके पीछे रहता हूँ भाई, उनको पहले नॉक कर देंगे ये। देखते हैं भाई कितनी देर में हमको नॉक कर पाते हैं। नॉक करने का ट्राई तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं ये। कहाँ गए पता नहीं, किधर चले गए? और इधर हैं, इसके ट्रैप के पीछे हैं। और भाई अपनी क्रॉस को लेकर इधर उधर टहल रहे हैं। देखते हैं भाई नॉक कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये। चलो एरो तो मारने के ट्राई कर रहे हैं ये। और भाई हमको एरो लगा एक, भाई टॉर पर भी चढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, और अपनी चड्डी पड्डी सब उतर गई भाई, पैंट उतर गई, चड्डी दिखने लगी। टॉर पर तो भाई नहीं चढ़ा, केवल एक एरो से थोड़ा ही चढ़ा था टॉर पर। और आप अगर ये एरो मारेंगे तो अपना भाई आर्मर भी टूट चुकी है पैंट, तो अपने को टॉर पर चढ़ जाएगा बेहोश होने के लगभग में। तो भाई इनसे दूर रहते हैं भाई। फिर से लगा भाई, कितने एरो मारेंगे मेरे, बस करो अब भाई साहब, अब मैं बेहोश होने वाला हूँ भाई। टॉर पर बहुत ज़्यादा ही चढ़ गया, चलो अब शायद कम हो रहा है टॉर पर, इतना नहीं चढ़ रहा है भाई। इनसे अब दूरी बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको भाई निपटा देंगे। अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है ये लग रहा है। और कुछ ये आज बहुत देर से पड़ी है, इसको भाई टेम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया इसको पड़े हुए। और ये 65%, और ये टेम भी हो गई बहुत देर से भाई, पड़ी थी 10-15 मिनट से यहाँ पे नॉक थी, और इसलिए भाई तुरंत हो गई अपनी आरजी। 89 लेवल है इसका, और ये मेल है, अपने भाई फीमेल से मेट वगैरह कर पाएंगे आराम से। और ये भाई डायनासोर गेट हटाते हैं, और इसको सैडल वगैरह पहनाते हैं। और ये भाई आरजी कौन लेगा पता नहीं, ये नोब लेवल की है, पता नहीं कौन लेगा। हम तो भाई जो पहले टेम किए थे इतने हाई लेवल की, वो ही लेंगे। और ये क्राफ्ट कर लेते हैं, जिससे अपना वेट कम हो जाएगा। और इसको भी तोड़ देते हैं भाई, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते हैं। अगर रिसोर्सेज वेस्ट किए तो भाई फिर से हमको ही ग्राइंड करना पड़ेगा, इसलिए वेस्ट नहीं करते हैं। और पिलर भी क्राफ्ट कर देते हैं। और हमको एक और आरजी भाई टेम करना है, निक्सॉन या ऑन के लिए, जो भाई ये नूब लेवल की ले लेगा उसको तो वो मिल जाएगी लास्ट में। भाई देखते हैं कौन सी आरजी टेम करते हैं, कितने लेवल की। और गाइस निक्सॉन सर ने बोला भाई बिना ट्रैप के आप टेम करते हैं, क्योंकि 2 आरजी तो ट्रैप बना के टेम कर लिए। और यहाँ पे भाई थी 300 लेवल की एक आरजी, इसको हम नॉक करेंगे बिना ट्रैप के। भाई निक्सॉन सर पता नहीं कहाँ पे ढूंढ रहे हैं आरजी को। और ये देखो भाई, जब इसको एरो मारते हैं ना, ये इसकी स्पीड बिल्कुल मतलब स्पीड होती नहीं है, वहीं पे रुक जाती है। तो ये भाई सेटिंग होता है सर्वर का, ये वो वाला सर्वर का सेटिंग किए हैं, इसीलिए भाई किसी भी प्लेयर को डैमेज होने पर वो अटक जाता है वहीं पे 2-3 सेकंड के लिए। और अभी देखो ये भगे, अब इसको अगर भग जाएगी भाई, भगने लगी भाई, लग गया। अगर ये भग जाती तो भाई मिलती भी नहीं,
चलो ये नॉक हो गई अपनी आरजी 300 लेवल की बिना ट्रैप के, ट्रैप भी बनाना नहीं पड़ा हमको, 300 लेवल की आरजी भी नॉक हो गई। अब निशान सर आते हैं और उनको फूड देंगे और फिर टेम करेंगे हाई लेवल की ये आरजी। और गाइस फाइनली हम भाई प्राइम मीट वगैरह फार्म करके आ गए हैं, अब इनको देते हैं भाई प्राइम मीट। और ये निशान सर देने वाले हैं इनको प्राइम मीट, शायद यही लाए हैं फार्म करके, तो भाई पता नहीं कब देंगे भाई। इतना ज़्यादा मैं बेस गया था वहाँ से आर्मर भी रिपेयर करके आ गया, ये भाई प्राइम मीट अभी तक नहीं ला पाए भाई। क्या ही भाई इतना वेट लगाते प्राइम मीट लाने में, तो शायद अब ले आए। हाँ दे भी दिया। चलो भाई टेम होना शुरू हो गई अपनी ये लास्ट वाली आरजी, और 82% पे अटक गई। चलो अभी ये भी हो जाएगी क्योंकि इतनी देर से भाई ये भी भूखी थी और ये तुरंत हो गई। देखो भाई इन्होंने मार भी दिया उनको भाई, पता नहीं क्यों भाई उनको उड़ा दिया। यानी इंसान सर उड़ाते रहते हैं भाई, जिसको पा जाते हैं कोपचे में उसको उड़ा देते हैं। कलर ले लेते हैं भाई, कलर कर देंगे अपना आर्मर भाई चमकेगा ब्लू। और बस ये भाई 98% हो गए, बस केवल 2% बची है और ये इस बार तो हो ही जाएगी। और ये निशान सर वहाँ पे क्या किसको मार रहे हैं भाई, दूसरी आरजी एक थी वहाँ पे नॉक, उसको फिर निपटा दिया इन्होंने। और ये कहाँ भाई वुल्ली राइनो बीच में गुस्सा आ रहा भाई, 90 लेवल का है, 2000 हेल्थ है, अगर मार दिया तो अपनी भी पेटी बना देगा ये। और यहाँ पे भाई होने वाली है 98% हो गई थी अपनी आरजी। और आर्मर को भी कलर कर देते हैं जल्दी से, ये आर्मर कुछ अच्छा लगेगा अपना। करते हैं कलर, इस पर लगाते हैं भाई। क्या हो रहा है यार, बिल्कुल इन्वेंट्री हिल रही है। और शर्ट भी कर देते हैं कलर और अपनी हैट भी। चलो हो गया भाई सब कुछ हो गया, अपना हेलमेट वगैरह भी हो गया कलर। और अब इक्विप कर लेते हैं अपना आर्मर। और यहाँ पे भाई इधर उधर सब मरे पड़े हैं। और अपनी आरजी तो भाई होने वाली है, बस थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तो भाई आरजी बहुत ज़्यादा भाई टाइम लगा देती है एक बाइट लेने में, अगर शुरू से भाई अगर करते तो भाई बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता। और गाइस फाइनली टेम हो गई अपनी आरजी, ये 362 लेवल की भाई ये फीमेल है। इतनी ज़्यादा हाई लेवल की फीमेल मिली हैं। और एक भाई 60 लेवल की टेम की थी मेल, जो अभी थी 89 लेवल की। तो भाई ये 3 आरजी हो गई टेम, अगर अभी किसी को चाहिए होगा तो भाई वो मेट करवा लेगा और वो आराम से मेट करा लेगा, उसको भी मिल जाएगा। और कहीं से हम आ गए थे अपने बेस पर, और यहाँ पर हमको मिल गया था मेसोपिथिकस, वो भी भाई 60 लेवल का मिल गया था। और अपने पास सूथिंग बाम था, इसको सूथिंग बाम खिला दिया और भाई टेम करने लगे। और भाई 2-3 खिलाने पर ये टेम भी हो गया अपना मेसोपिथिकस, वो भी ईरी वाला। अब भाई इसको कंधे पर बैठाने पर बहुत मज़ा आएगा। हमने भाई एक एपिसोड में 2 और 1 भी टेम कर लिया, आज भाई बहुत ज़्यादा टेमिंग हो गई डाइनो की। तो भाई ये देखो अपना मेसोपिथिकस कंधे पर बैठा है भाई, क्या इसका काला काला बिल्कुल मुंह दिख रहा है और तो भाई ठीक ठाक दिख रहा है ये। तो गाइस आज के एपिसोड में हमने मेसोपिथिकस और 2 आरजी टीम कर लिया, आज तो भाई बहुत ज़्यादा टेमिंग हो गई इस वीडियो में। और गाइस ये मैं एपिसोड भाई बहुत ज़्यादा छोटा बनाने की कोशिश किया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई 13-14 का हुआ होगा। और ये तो भाई इसकी रिकॉर्डिंग थी 1 भाई, 1 से ज़्यादा की थी इसकी रिकॉर्डिंग, उसको भाई कट करके इतना छोटा कर दिया हूँ। और अगर आपको बड़ा वीडियो पसंद है तो भाई बता देना, मैं कट ज़्यादा नहीं करूँगा, ऐसे ही अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको छोटा वीडियो पसंद है तो भी बता देना, मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक कर देना, और गाइस हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।